नमस्कार दोस्तों लालू प्रसाद यादव की फैमिली पर सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है सभी को समन किया गया है आपको जान आप लोग जानते ही होंगे कि इतना बड़ा मामला चल रहा है कि जमीन के बदले नौकरी देने वाला उसमें लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार फंसता हुआ नजर आ रहा है दूसरे इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण डेवलपमेंट ये है कि तेजस्वी यादव जो डायरेक्टली इस मामले में नेम्ड नहीं हैं उनके निजी सचिव संजय यादव को भी इसमें समन किया गया है और आज आज मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ शनिवार का दिन है तो आज संजय यादव की दिल्ली में पेशी हो रही है और उन पर बहुत जल्द गिरफ्तारी का खतरा मंडरा रहा है पूरे मामले के बारे में आपको बता देता हूं जमीन के बदले नौकरी घोटाला लैंड फॉर जॉब स्कैम ये बहुत चर्चित है काफ़ी लंबे समय से इस मामले में सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के खिलाफ चार्जशीट दायर की है इस मामले में 16 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है और सीबीआई ने करीब 14 साल पुराने इस मामले में पिछले दिनों बिहार झारखंड और हरियाणा में पच्चीस ठिकानों पर छापे मारे थे तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव का जो घर है बिहार में वहाँ पर भी छापा मारा छापे मारी हुई थी ओ आर आई आई आर सी टी सी घोटाले में पहले ही उनके करीबियों पर शिकंजा कसा हुआ है अब इस मामले में सी बी आई ने राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव उनकी पत्नी और पूर्व सी एम राबड़ी देवी राज्यसभा सांसद मीसा भारती तेजस्वी की बड़ी बहन हेमा यादव इन सब को मुख्य रूप से चार्जशीट में शामिल किया गया है लालू यादव पाँच अक्टूबर को अपने पुत्र और बिहार के डिप्टी सी तेजस्वी के साथ मुलायम सिंह यादव का हाल जानने के लिए दिल्ली आए थे गुड़गांव में मेदांता हॉस्पिटल में आप सब जानते हैं कि एडमिट हैं मुलायम सिंह यादव और अगले दिन उन्होंने अखिलेश यादव से भी मुलाकात की थी और इसके लगभग दो दिन के बाद ही सीबीआई की ये चार्जशीट आ गई है और आईआरसीटीसी घोटाले की जांच के क्रम में ही सीबीआई के सामने लैंड फॉर जॉब केस आया था इस मामले में सीबीआई के समक्ष कई लैंड डील के कागजात पेश किए गए जिनका रेलवे में नौकरी से संबंध बताया जा रहा था वर्ष 2017 में पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने रेलवे में नौकरी देने के लिए लालू परिवार पर जमीन लिखवाने का आरोप लगाया था इसके सबूत मीडिया के सामने रखे थे सी के सामने आए थे और जांच में यह पाया गया था कि रेलवे मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद यादव ने पटना के 11 और गोपालगंज के एक व्यक्ति को चुपके से नौकरी दे दी थी इन नौकरियों के बदले उनसे अपने परिवार के नाम पर जमीनें लिखवा ली थी देख लीजिए कितने बड़े चोर हैं पहले चारा खा गए और फिर नौकरियाँ किस तरह से दी जहाँ भी ये लोग गए वहीं भ्रष्टाचार किया और आज मुझे दुर्भाग्य लगता है कि बिहार के लोगों ने ऐसे लोगों को वोट देकर अपनी सरकार में चुना है तेजस्वी यादव को तो खूब वोट मिले थे तेजस्वी यादव तो सी सी बनते बनते रह गए थे 2020 के चुनाव में और संजय यादव जिनका मैं नाम आपको बता रहा हूँ 2015 में जब डिप्टी सीएम हुआ करते थे तेजस्वी यादव उस समय ये इनके प्राइवेट सेक्रेटरी थे और संजय यादव को कई बार समन हो चुका है इस मामले में उन पर गिरफ्तारी का खतरा मंडरा रहा है संजय यादव अभी तीन चार दिन पहले दिल्ली हाईकोर्ट गए थे और उन्होंने कहा था कि साहब देखिए मुझे व्हाट्सअप पर नोटिस भेजा है सीबीआई ने और मैं चाहता हूं कि मुझे पटना का जो दफ्तर है सीबीआई का वहां पर पेश होने की अनुमति दी जाए या फिर मैं अपने डॉक्यूमेंट्स दिल्ली ऑफिस भेज देता हूं सीबीआई के अपने ये जो सबमिशन है मेरी तरफ़ से वो मेरा वकील दे देगा लेकिन नहीं उन्हें हाई कोर्ट ने फिजिकल अपेरेंस की परमिशन दी कि फ़िज़िकली आपको आना होगा आपको जाँच में सहयोग करना होगा अलबत्त हाई कोर्ट ने सी से इतना जरूर कहा है कि अगर आप संजय यादव को गिरफ्तार करना चाहते हैं तो आपको एडवांस में नोटिस देना होगा जिससे वो अपनी तैयारी कर सके अपने वकीलों वगैरह से इंतजाम करा सके तो इस तरीके से संजय यादव का नाम इसमें आ जाना ये दर्शाता है कि इसमें सीबीआई के रडार में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव भी हैं तेजस्वी यादव को भी सीबीआई बी बख्शना नहीं चाहती है और इस पूरे प्रकरण को लेकर दोस्तों सबसे मेन थ्रस्ट यही है कि क्या जब से सरकार बदली है जब से नीतीश कुमार के साथ मिलकर तेजस्वी यादव ने सरकार बनाई है उसके बाद से हालात बिगड़े हैं और इस मामले में जो अब तक सीबीआई का रुख थोड़ा सा ठंडा था मुझे कुछ गर्म होता हुआ नज़र आ रहा है लैंड फॉर जॉब मामले की जांच करते हुए सीबीआई ने कई और भी बड़े दावे किए हैं इनमें यूपीए सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान लालू या प्रसाद यादव मंत्री थे और सीबीआई की जांच में ये थ्योरी दी गई है कि लाला लालू ने बारह लोगों को जॉब दिए और उनसे ज़मीन अपने नाम लिखवा ली पूरा खेल 2004 से 2009 के बीच का है सीबीआई ने सात मामलों के जरिए पूरे केस को इस्टेब्लिश किया है और सीबीआई ने जांच के क्रम में ये भी कहा है कि लालू यादव के परिवार को अब जमीन दी गई तो स्थायी तौर पर रखे गए कर्मचारियों की नियुक्ति को स्थायी किया गया पिछले साल यानी 2021 में इस मामले की जांच शुरू की गई थी बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं सात मामले पेश किए हैं रजिस्ट्री और अन्य कागजातों के जरिए केस को सीबीआई ने पुख्ता बनाया है और सीबीआई ने यह भी पाया कि 6 फरवरी 2008 को पटना के किशुन देव राय ने अपनी जमीन काफ़ी कम कीमत पर रावड़ी देवी के नाम कर दी तैंतीस वर्ग फिट जमीन महज तीन पॉइंट ला, लाख में यानी कि पौने चार लाख रुपये में दे दी गई और राबड़ी देवी के नाम जमीन होने के साथ इस परिवार के राजकुमार सिंह मिथिलेश कुमार और अजय कुमार को मध्य रेलवे मुंबई में ग्रुप डी के पद पर नौकरी मिली थी दूसरा मामला 2008 का है पटना के महुआ बाग के संजय राय ने भी पौने चार लाख रुपए में तैतीस सौ पिछहत्तर वर्ग गज जमीन राबड़ी देवी को बेची मामले में जांच में मामला सामने आया कि संजय राय के साथ साथ परिवार के दो अन्य सदस्यों को रेलवे में नौकरी मिली थी और जांच बढ़ी तो तीसरा मामला पटना की किरण देवी का सामने आया किरण देवी ने नवंबर 2007 में तीन पॉइंट सात यानी कि तीन लाख सत्तर हज़ार रुपये में अपनी अस्सी हज़ार नौ सौ पाँच वर्ग फिट जमीन मीसा भारती इनकी बेटी को बेच दी जो अब राज्यसभा की सांसद हैं डॉक्टर रही हैं वो डॉक्टरी किस तरह से की थी उन्होंने वो सब लोग जानते हैं बिहार वाले किस तरह से की थी और इसके इसके बाद सौदे के बाद सेंट्रल रेलवे मुंबई में उनके बेटे अभिषेक कुमार को नौकरी दे दी गई किरण देवी के बेटे को ऐसे तमाम मामले हैं पाँच छः सात मामले में सारे आपको बता सकता हूँ और रेलवे में जिन बारह लोगों को नौकरी दी गई उस मामले में जांच के क्रम में ये भी सामने आया कि बिना किसी वैकेंसी के ही ये नियुक्तियाँ की गई थी आइए और नौकरी ले लीजिए देखिए कितना बड़ा भ्रष्टाचार है और इसके लिए पहुँच का इस्तेमाल किया गया लैंड डील के बाद ग्रुप डी में अस्थायी तौर पर नियुक्त कर्मियों को स्थायी कर दिया गया पहले तो उन्हें टेम्प्रेरी रखवाया और फिर उन्हें परमानेंट कर दिया गया और अब चार्जशीट दायर होने के बाद लैंड फॉर जॉब केस मामले में लालू परिवार पर शिकंजा कसने का मामला पूरी तरह से सामने आने जा रहा है और लालू प्रसाद यादव ये घूमते कह रहे हैं कि सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है बिल्कुल खुला मामला है ओपन केस है आपके सामने उदाहरण है कि आपने इन लोगों को नौकरियां दी हैं और इनके बदले ज़मीनें लिखवाई हैं वरना इतनी महंगी महंगी करोड़ों करोड़ों रुपए की जमीनें आपको तीन तीन लाख रुपए में पटना जैसे शहर में मिल जाएगी क्या बताइए आप लेकिन इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है संजय यादव का क्या होने जा रहा है संजय यादव जो डिप्टी सी रहे तेजस्वी यादव 2015 में जब डिप्टी सीएम बने थे तब भी ये इनके संजय यादव निजी सचिव थे अब मुझे मालूम नहीं है कि हैं या नहीं क्योंकि अभी अभी हाल ही में बने हैं डिप्टी सीएम तेजस्वी दोबारा लेकिन मुझे लग रहा है कि तेजस्वी यादव को इस मामले में किसी न किसी तरह तो घसीटा जाएगा ही और तेजस्वी यादव का इस मामले में घसीटे जाने का मतलब है कि यहाँ की सरकार खतरे में तेजस्वी को अंदर बंद कर दिया जाए शायद लालू प्रसाद यादव के कुछ और लोगों को भी अंदर जाना पड़े इस मामले पर हमारी नज़र बनी रहेगी देखते हैं इसमें क्या होता है अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा चैनल पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा वरना मेरे लाइव आने का आपको पता नहीं लगेगा अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होती है तब तक के लिए नमस्कार अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें